नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक महादेव वर्मा के जीवन परिचय तथा रचनाओं पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th हिंदी के एग्ज़ाम में आप महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तथा रचनाएं कैसे लिखोगे इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आई घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपके हिंदी के एग्जाम में एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा आएगा दोस्तों? प्रश्न लिखा हुआ आएगा, वह प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखिए। और दोस्तों, यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 3 नंबर का। इनमें 3 लेखकों के नाम लिखे होंगे। कितने लेखकों के नाम लिखे होंगे दोस्तों? 3 लेखकों के। इनमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखनी हैं। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ महादेव वर्मा का जीवन परिचय तथा रचनाएँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है महादेवी वर्मा। उसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। पहले दोस्तों आपको महादेव वर्मा का जीवन परिचय लिखना है। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फरुखाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने दीर्घकाल तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। इससे पूर्व इन्होंने कुछ वर्ष चांद का संपादन भी कुशलतापूर्वक किया था। उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। वे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सम्मानित सदस्या भी रही। सन 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये था महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जो कि आपको एग्जाम में लिखना है सेम इसी तरीके से। दोस्तों, जीवन परिचय में लेखक की जन्म तिथि, जन्म स्थान, उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उसे कौन कौन से पुरस्कार मिले, उसकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का स्थान, इन सारी बातों को लिखना होता आपको जीवन परिचय में। किस में लिखना होता दोस्तों? जीवन परिचय में। और मैंने दोस्तों महादेव वर्मा के जीवन परिचय में यही बातें लिखवाई हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि महादेव वर्मा के जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है। अब दोस्तों बात करते हैं महादेव वर्मा की रचनाओं पर। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल लिया गद्य रचनाएं, आपको भी यही हेडिंग डालनी है। और इस हेडिंग में आपको लिखना है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। तो दोस्तों, ये क्या, ये महादेव वर्मा की गद्य रचनाएं हैं जो कि इन्होंने गद्य में लिखी थी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया है कि महादेव वर्मा की गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। आपको दोस्तों 2 या 3 रचनाओं के नाम लिखने हैं, इनमें मैंने 4 रचनाओं के नाम आपको लिख के दिखा दिए हैं। आपको इनमें से 2 या 3 रचनाओं के नाम लिखने हैं केवल। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि महादेव वर्मा की गद्य रचनाओं में आपको क्या लिखना है। तो दोस्तों,
महादेव वर्मा का जीवन परिचय और रचनाएं सेम इसी तरीके से आपको हिंदी के एग्जाम में लिखनी है। दोस्तों, जब भी आप किसी लेखक का जीवन परिचय लिखो तो एक बात का सदैव ध्यान रखना, आप जिस भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो तो उस लेखक की जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उसे कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उसने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया है, उसकी मृत्यु की तिथि, उसकी मृत्यु का स्थान, तो ये सारी बातें आपको काले पेन से लिखनी है। जो भी मेन मेन बातें हैं आपको काले पेन से लिखनी है। इससे दोस्तों होगा क्या कि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उस एग्जामिनर को जीवन परिचय में साफ साफ दिख जाएगा कि इस लेखक की जन्मतिथि यहाँ लिखी हुई है, जन्म स्थान यहाँ लिखा हुआ है, माता का नाम यहाँ लिखा हुआ, पिता का नाम यहाँ लिखा हुआ, मृत्यु की तिथि यहाँ है, मृत्यु का स्थान यहाँ है, इसे ये पुरस्कार मिले गए हैं, तो उसे काले पेन से साफ साफ दिख जाएगा। और दोस्तों हो सकता है वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे दे, क्योंकि उसे साफ साफ दिख जाएगा, उसे ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी कि पिता का नाम कहाँ लिखा, जन्मतिथि कहाँ लिखी हुई है, उसे काले पेन से साफ साफ दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।